नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव मुहाने पर है और ऐसे में कई सारे प्रमुख मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होना बहुत जरूरी है। वो मुद्दे महंगाई के हैं, वो मुद्दे आरक्षण के हैं, वो मुद्दे महंगाई के हैं, वो मुद्दे बढ़ते बेरोजगारी के हैं। इस तरह के कई सारे प्रमुख मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होना बहुत जरूरी है। फिलहाल राजनीतिक दल इन मुद्दों पर चर्चा करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी यह है कि हमें इन मुद्दों पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। आज हम उन्हीं में से एक मुद्दा लेकर आए हैं जो है भर्ती, सरकारी भर्तियां। दरअसल एक आंकड़ा मैं आपको बताऊं तो बीते 15 साल में उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसी भर्ती नहीं रही है जो कि कोर्ट कचहरी, रीट या फिर किसी समस्या से होकर ना गुजरी हो। कहा यह जा रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश के युवाओं के हाथ में वो लकीर नहीं है जहां पर कोई भी भर्ती साफ सुथरी तरीके से हो जाए और वो नौकरी करने लग जाए। क्योंकि जब भी कोई भर्ती उत्तर प्रदेश में शुरू हो रही है तो उस भर्ती के शुरू होने से पहले ही वहां पर जो कचहरी वाला स्टैंप है उस भर्ती पर लग जा रहा है, रीट हो जा रही है और रीट के बाद ये जो मुद्दा है ये मुद्दा इतना बड़ा हो जा रहा है कि भर्तियां लंबे लंबे समय तक खिंचती चली जा रही हैं, कानूनी लड़ाइयां हो रही हैं। कानूनी लड़ाइयों के बाद कहीं ना कहीं इसमें कई सारे और मुद्दे खड़े हो जा रहे हैं जो कि आरक्षण के नाम पर है, जो कि कट ऑफ के नाम पर है, जो कि मेरिट के नाम पर है, जो कि अलग अलग मुद्दे हैं। और इन मुद्दों के बाद सबसे ज्यादा समस्या में और सबसे ज्यादा घुन की तरह कोई पिसता है तो वो होता है अभ्यर्थी, क्योंकि वही अभ्यर्थी इन भर्तियों की तैयारी करता है और उस अभ्यर्थी के ऊपर क्या बीतती है जो कि तैयारी करने के बाद परीक्षा देता है और परीक्षा देने के बाद जब उसका जो नतीजा है वो अधर में लटक जाता है और लंबे समय तक वो इंतजार करते रह जाता है कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा। उत्तर प्रदेश के बारे में बताएं तो कहीं ना कहीं जो भर्तियां हो रही हैं या हुई हैं उनमें से ज्यादातर भर्तियां जो है वो अधर में लटकी हुई हैं और इसका जो जिम्मेदार है वो कहीं ना कहीं सरकार भी है, कहीं ना कहीं विभाग भी है और कहीं ना कहीं अभ्यर्थी भी है। अभ्यर्थी इसलिए क्योंकि कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सुबेरे 7 बजे पेपर में इश्तिहार देखते हैं कि फला विभाग की भर्तियों की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है और 1 से 1.5 घंटे बाद वो वकील के पास पहुंच करके उसकी रीट कर देता है क्योंकि वो कहता है कि ये सही तरीके से नहीं होगी। और विभाग इसलिए क्योंकि विभाग में जो बाबू बैठा हुआ है, विभाग में जो जिम्मेदार अधिकारी बैठा हुआ है जिसके जिम्मे ये पूरी भर्ती रखी जाती है कि भैया तुम देख लेना, सही तरीके से सब कुछ कर देना, कोई इस बार हीला हवाली, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। लेकिन हर बार उस भर्ती को जब कोर्ट में जाना पड़ता है, उस भर्ती से जुड़े हुए अधिकारियों को जाना पड़ता है, अभ्यर्थियों को जाना पड़ता है, तो सुनने में आता है कि कहीं ना कहीं इसमें आरक्षण का चक्कर है, कहीं ना कहीं मेरिट का चक्कर है, कहीं ना कहीं कट ऑफ का चक्कर है, कहीं ना कहीं नंबर का चक्कर है। आरक्षण भी कभी हॉरिजॉन्टल कभी वर्टिकल, कई तरह के हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आरक्षणों में पिस करके अभ्यर्थी रह जा रहा है और भर्तियां अधर में लटकी रह जा रही हैं। ऐसी कई सारी भर्तियां उत्तर प्रदेश में है और उन्हीं में से एक भर्ती है 69,000 शिक्षक भर्ती। ये अभ्यर्थी 168 दिनों से ज्यादा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और अलग अलग जिलों में प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी विधानसभा के सामने पहुंचते हैं, कभी राजनीतिक दलों के कार्यालयों के बाहर पहुंचते हैं, लठियाए जाते हैं, चोटिल होते हैं, लेकिन प्रदर्शन इनका जस के तस चल रहा है। एक अगर हम सिलसिलेवार तरीके से देखें तो 69,000 भर्ती आखिर है क्या। 6 जनवरी को 6 जनवरी 2020 की मैं बात कर रहा हूं, 6 जनवरी 2020 को इसकी परीक्षा हुई थी और 69,000 शिक्षक भर्ती 2019 में आई थी। उसके 15 दिन बाद इसके नतीजे आ गए और नतीजे आने के बाद सरकार की तरफ से कट ऑफ जारी कर दी गई। कट ऑफ में यह कहा गया कि जो सामान्य वर्ग है वो 97 नंबर, मतलब जो 97 नंबर पाया है, और एससी एसटी ओबीसी में जो 90 नंबर पाया है या उससे ऊपर जो पाया है वही पास होगा, उसी की भर्ती प्रक्रिया में आगे की सुनवाई होगी, बुलवाई होगी। उसके बाद जो अभ्यर्थी थे वो नाराज हो गए और नाराज होने के बाद उन्होंने कोर्ट की तरफ इसका रुख कर लिया कि हम इस बात से सहमत नहीं है कि 97 और 90 नंबर वाला जो आंकड़ा सरकारी पेश किया गया है ये सही है। मामला कोर्ट में चला गया, कई बेंचों में सुनवाई हुई, 8 महीने बाद इस पर फैसला आया और कोर्ट ने कहा कि सरकार की तरफ से जो निर्णय लिया गया है वो सही है, अब भर्ती प्रक्रिया इसी पर ही होगी, इसी कट ऑफ पर होगी। भर्ती प्रक्रिया फिर शुरू होती है, लेकिन उसके बाद फिर ये जो अभ्यर्थी थे
ये नाराज हो गए, क्योंकि इसमें कहा गया कि जो आरक्षण के बाद जो मेरिट बनाई गई उस मेरिट में भी कहीं ना कहीं हिला हवाली करी गई, कुछ ऐसे लोगों को रखा गया जो मेरिट में नहीं आते हैं, कुछ ऐसे लोगों को रखा गया जो भर्ती के लायक भी नहीं थे, और उनको नौकरी देने के नाम पर उनकी सुनवाइयां शुरू हो गई, कागज पत्र की चेकिंग आगे की जो प्रक्रिया थी वो शुरू हो गई। उसके बाद राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग जो कि दिल्ली में है, वहां पर इन अभ्यर्थियों ने 2020 में अपनी गुहार लगाई, और 29 अप्रैल 2021 को आयोग भी इस बात को मान गया कि जो 27% ओबीसी आरक्षण देना था और जो 21% एससी आरक्षण देना था, उसमें ओबीसी वालों को 3.86 और एससी वालों को 16.6% ही आरक्षण दिया गया। ये क्यों दिया गया, ये भी सवाल बना है, और आयोग की तरफ से सरकार से बात पूछी गई। उसके बाद भी लगातार ये जो अभ्यर्थी थे ये प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि आयोग की रिपोर्ट आने के बाद भी किसी प्रकार से कोई इनको सही जवाब नहीं मिला। ये अभ्यर्थी 160 दिन से ज्यादा हो गया है राजधानी लखनऊ में प्रदर्शन करते हुए, 3 दर्जन से ज्यादा अभ्यर्थी ऐसे हैं जो गंभीर चोटिल हो गए हैं। कैसे, क्योंकि जब वो प्रदर्शन करने विधानसभा पार्टी कार्यालयों के बाहर पहुंचते हैं तो वहां पर पुलिसिया बर्बरता उनके ऊपर होती है, लाठीचार्ज होता है, और उसमें कईयों के हाथ पैर टूट गए हैं, कईयों के सर फट गए हैं, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने आत्महत्या तक के प्रयास किए हैं, 2-2 साल 3-3 साल। हम कहीं ना कहीं कृषि कानून या कृषि बिल को लेकर जो किसान आंदोलन पर बैठे थे उनकी बात तो लगातार कर रहे थे, लेकिन ये अभ्यर्थी भी उनसे कम नहीं है। 1 साल से ज्यादा कृषि कानून के विरोध में किसानों ने प्रदर्शन किया, लेकिन 6 महीने से ज्यादा ये अभ्यर्थी भी राजधानी लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे हैं। जाड़ा हो, बरसात हो, गर्मी हो, सभी मौसमों में, चाहे महिला अभ्यर्थी हो चाहे पुरुष अभ्यर्थी हो, वो बैठा हुआ है इस आस में कि उत्तर प्रदेश की सरकार सुनेगी, विभाग सुनेगा, और शायद कोई रास्ता निकाला जाएगा। सरकार की तरफ से कई बार इनको ये कहा गया कि हाँ रास्ता बनाया जा रहा है, रास्ता निकाला जाएगा, और आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतर किया जाएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती जो अधर में लटकी हुई है, इसको मुहाने तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया, और अभी भी ये जो छात्र हैं ये प्रदर्शन करने पर मजबूर हैं। आज भी राजधानी लखनऊ में इन छात्रों ने निषादगंज में जो कार्यालय है वहां पर प्रदर्शन किया, और उसके बाद पुलिस की कार्रवाई वहां पर भी देखने को मिली। तो सवाल यही है कि आखिर एक लंबा समय बीत जाने के बाद इस तरह की जो भर्ती प्रक्रियाएं हैं वो अधर में क्यों लटकी हुई है, सरकार क्या चाह रही है, आखिर किस बात पर बात नहीं बन रही है, ये सवाल है। ये सवाल हम भी पूछ रहे हैं, ये सवाल अभ्यर्थी भी पूछ रहे हैं, और आज इस बहस के जरिए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन अभ्यर्थियों की समस्या क्यों इतनी बड़ी हो गई और सरकार कुछ भी सुनने समझने को तैयार क्यों नहीं है। एक रिपोर्ट देखिए और उसके बाद इस विषय पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। को युवाओं की हितैषी सरकार कहने वाली सरकार इतना संवेदनशील होगी ये जनता समझ नहीं रही थी। जिस तरह 6 महीने से 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी जो समाज के निर्माण में अपना योगदान देना चाहते वो खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं, और सरकार का, उत्तर प्रदेश सरकार का कोई एक प्रतिनिधि उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। ये ठीक उसी तरह ही सरकार को इनसे बात करनी पड़ेगी, इनको बात करने के बाद इनकी मांगे माननी पड़ेंगी, जिस तरह दिल्ली बार्डर पर बैठे किसानों की भारत सरकार ने मानी है। लेकिन इससे उत्तर प्रदेश की सरकार और योगी की असंवेदनशीलता जो है वो दर्शाती है। देखिए, शिक्षा और शिक्षकों की जो नियुक्ति है वो गुणवत्ता का विषय है। जो विधिविहित होगा, जो संवैधानिक होगा, जो कानूनी प्रक्रिया में आता होगा, निश्चित रूप से सरकार उसका अनुपालन करेगी। और जहाँ तक जो 69,000 की भर्ती को लेकर के जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, उनको चाहिए कि जो सरकार के जो प्रमुख लोग हैं विभाग, शिक्षा विभाग संबंधित, उनसे तर्कसंगत ढंग से अपनी बात को रखें। निश्चित रूप से योगी जी की सरकार में अगर कोई चीज विधि सम्मत है, तर्क सम्मत है, न्याय है, तो उसको न्याय जरूर मिलेगा। देखिए, हमारा जो धरना है ये अनवरत 21 जून यानी योग दिवस के अवसर से चल रहा है, और करीब 5 महीने से ऊपर हो चुके धरने को, लेकिन अभी तक सरकार ने मामले को संज्ञान में नहीं लिया। मैं आपको बताना चाहूँ, कोई अभी अधिकारी या बीजेपी के नेतागण नहीं आए यहाँ तक। सबसे ज़्यादा दुख इस बात का जिसकी सरकार उसकी नेता नहीं आ रहे हैं। विपक्ष पार्टी के नेता आते हैं, स्वयं आते हैं। अब कोई स्वयं आएगा तो अतिथि देव भव, हम उसका स्वागत करेंगे,
देखिए हम दिनेश शर्मा जी से मिल चुके हैं, सतीश द्विवेदी जी से मिल चुके हैं, और यहाँ तक कि अनामिका सिंह जो हमारी डीजी हैं उनसे मिल चुके हैं, सर्वेंद्र विक्रम सिंह जी से मिल चुके हैं। तो अधिकारियों ने यही सब साफ शब्दों में कहा है कि देखो जो डिसाइड होगा वो ऊपर से डिसाइड होगा, कैबिनेट की मीटिंग से डिसाइड होगा, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है, शिक्षा मंत्री जी के संज्ञान में, वो डिसाइड करेंगे। हम तो सिर्फ एक अधिकारी हैं, हम सिर्फ एक कर्मचारी, ऊपर से जो आदेश आएगा उसका हम पालन करेंगे। अब हम शिक्षा मंत्री के पास जाते हैं, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी के पास गए, मुख्यमंत्री जी के पास गए, मुख्यमंत्री ने जी ने यही कहा कि मामला संज्ञान में है, कमेटी गठित कर दी गई, रिपोर्ट आएगी, आपके हित के बारे में सोचा जाएगी, मुख्यमंत्री ने बोला। शिक्षा मंत्री का भी सेम यही बयान था कि आपके हितों को ध्यान में रखा जाएगा, आपका हित प्रभावित नहीं किया जाएगा, आपके साथ न्याय होगा, ये शिक्षा मंत्री का बयान था। अब दिनेश शर्मा जी ने क्या बोला, दिनेश शर्मा जी ने साफ शब्दों में कहा कि विवेक जी मुझे पता है आप संघर्ष कर रहे हैं, आपके भाई बहन 22,000 टीम के आप संघर्ष कर रहे हैं, सब लोग जुड़े हैं आपसे, मुझे मालूम 75 जिले के लोग, आपके साथ न्याय होगा, आप परेशान ना होइए। हमने बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी को आपके मामले के बारे में पूरा बता दिया है, उनके संज्ञान में सब कुछ है, अब देखिए कब तक आपका डिसीजन आता है, आगे की बात है, लेकिन हमने पूरा मामला संज्ञान में दे दिया। तो इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा होना बहुत जरूरी है क्योंकि चुनाव करीब है और चुनाव के दौरान बेरोजगारी का मुद्दा सबसे अहम है, जो लगातार विपक्ष सरकार से पूछ रहा है कि आपने कितना रोजगार दे दिया, और उस बीच 69,000 शिक्षक भर्ती या फिर अन्य कई सारी भर्तियों के जो अभ्यर्थी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं राजधानी के साथ साथ अन्य अन्य जिलों में। इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा को शुरू करते हैं, मेहमानों से आपको रूबरू करवाते हैं। सबसे पहले अश्विनी शाही साहब हैं, बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके अलावा हुदा जरीवाला आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, इसके अलावा मयंक यादव हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, और विजय यादव जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस डिबेट में। सबसे पहले विजय भाई मैं आप ही के पास आना चाहूंगा क्योंकि 168 दिन से ज्यादा हो गया आप लोगों को प्रदर्शन करते हुए, कौन सी ऐसी बात है जो बीजेपी वालों को आप लोग समझा नहीं पा रहे, सरकार को आप लोग समझा नहीं पा रहे और इसी वजह से आप लोग का मामला जो है वो अधड़ में लटका हुआ है? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मौका दिया कि हम लोग यहाँ पर अपनी बात रख सके, और इस गंभीर मुद्दे पर बहस के लिए मैं आपको और अपने पूरे संगठन की तरफ से पूरे चैनल को आभार प्रकट करना चाहता हूँ। मुद्दे की बात सर ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो भी मांगे हो रही हैं, चाहे वो आरक्षण से जुड़ा मैटर हो, चाहे वो 22,000 सीटों का मैटर हो, ऐसा कोई मामला नहीं है जो बीजेपी सरकार में बैठे जो शीर्ष स्तर पर बैठे हुए लोग हैं उनको जानकारी ना हो। 168 दिन हो गए, 168 दिन पे तो अगर विदेश में प्रोटेस्ट हो रहा होता तो शायद उत्तर प्रदेश की सरकार के कानों तक ये बात पहुंच गई होती। सीधी और स्पष्ट बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार में जो 69,000 शिक्षक भर्ती निकाली गई उसमें आरक्षण के प्रावधानों का खुले आम उल्लंघन हुआ, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो इसी बीजेपी सरकार ने हमारी उत्तर प्रदेश की जो है सरकार ने नहीं बनाया, माननीय मोदी जी ने, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने उस जो है आयोग का गठन किया और उसको संवैधानिक दर्जा दिया और उसकी उपलब्धियां गिनाई जाती हैं। हमारे सूबे के मुखिया भी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, अपने चैनल पे भी देखा होगा कि वो बता रहे थे कि पिछड़ों का अधिकार सुरक्षित हो सके इसलिए हमने मोदी जी ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया है। आप बताइए उसी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट 29 अप्रैल 2021 को जारी हुई, उसकी मांग को लेकर कोई अधिकारी नहीं बचा है, कोई मंत्री नहीं बचा है। बेसिक शिक्षा मंत्री के पता नहीं कितने बार हम लोग चक्कर लगा चुके हैं, कितनी बार हमारी मीटिंगें हो चुकी हैं, लेकिन आज ये स्थिति परिस्थिति हो गई है कि 168 दिन में आज सरकार में बैठे हुए लोग हमारी पीड़ा को अनसुना कर रहे हैं और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अपनी खुद की संस्था की रिपोर्ट को लागू करने में 168 दिन लग गए और अभ्यर्थियों की पीड़ा अभी तक ये नहीं देख पाए हैं। किन परिस्थितियों में हम लोग इस आंदोलन को झेल रहे हैं, कैसे हम लोग इस आंदोलन को आगे लेकर चल पा रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परिस्थितियाँ इतनी विपरीत हैं हमारे लिए कि कई हमारे साथी गंभीर रूप से वो डेंगू के शिकार हुए, कितनों के चोटें आई गंभीर, कितनों के जो है हमारी बहनों के हाथ टूटे, लेकिन तब भी हम बिल्कुल गांधीवादी तरीके से, बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से इस उम्मीद में बैठे हैं इको गार्डन के बाहर पिछले 6 महीने से कि शायद हमारी सरकार को हमारे ऊपर तरस आएगा। तरस मैं इसलिए कह रहा हूं कि 6 महीने बहुत होते हैं, शायद वो हमारे ऐसे पल हैं जो दोबारा नहीं आएंगे। इसमें हमने बहुत ऐतिहासिक मौके ऐसे आए जो हमने छोड़ा, दीपावली हमने यहाँ पर मनाई, हमारे परिवार में लोग बीमार हुए, हम लोग वहां पर नहीं जा पाए, हम लोग अभी भी इस उम्मीद में हैं
कि शायद सरकार हमारी सुनेगी। और जो मैं अपने सामने देख पा रहा हूँ, जो बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हैं, मैं उनसे भी मैं अभी थोड़ी देर में जब मेरा नंबर आएगा दोबारा, आप जब मुझे मौका देंगे, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि सर आप ऊपर बात पहुंचाइए, ये कह देना कि सरकार उदारता। तो बात तो आप लोगों ने भी पहुंचाने की कोशिश बहुत बार की है, मैंने देखा है कई बार शिक्षा मंत्री से आपकी मुलाकात हुई है, कई बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक भी आप लोगों ने अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की है, प्रयास कई बार आप लोगों के रहे, कोई आश्वासन मिला अभी रिसेंट में? देखिए दुविधा क्या है, मुख्यमंत्री के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट आता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से मिले मुख्यमंत्री, दिया निराकरण का आदेश, 7 दिनों में निराकरण का आदेश, मुख्यमंत्री के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से है। अच्छा, मैं चाहूंगा अगर हमारे प्रवक्ता जो बीजेपी के, अगर वो कहेंगे तो मेरे फोन में है, मैं अभी आपके कैमरे के सामने भी दिखा दूंगा। अच्छा, 7 दिन छोड़िए आप, इस बात के 4 महीने पूरे हो गए लेकिन अभी तक एक भी कार्य आगे नहीं बढ़ा है। और ऐसा भी कुछ नहीं है कि कुछ बहुत बड़ा सोचना है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में खुलेआम आरक्षण के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है। इस बात को मानने में क्या गुरेज होना चाहिए, क्या हर्ज है, इस बात का जवाब शायद आज कोई नहीं दे पा रहा है। और उसी की देन है कि पिछले 6 महीने से हम लोग इको गार्डन के बाहर सड़कों पर आंदोलन करने को मजबूर है। ठीक है, अश्विनी शाही साहब हमारे साथ बीजेपी से हैं, सर आपका बहुत स्वागत है। शाही साहब, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि 168 दिन से ज्यादा हो गए इन लोगों को प्रदर्शन करते हुए, कई बार आपके कार्यालय तक भी ये लोग पहुंचे हैं, विधानसभा तक भी पहुंचे हैं, कई नेताओं मंत्रियों से भी इनकी मुलाकात हुई है, आज भी इन लोगों ने प्रदर्शन किया है, जाड़ा गर्मी बरसात सब झेल चुके हैं ये लोग, लेकिन इनकी मांग नहीं मानी जा रही, कारण क्या है, क्या दिक्कत हो रही है, आखिर आप लोग क्यों नहीं सुनना चाह रहे हैं जबकि चुनाव है और बेरोजगारी को लेकर और रोजगार को लेकर लगातार आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि हम लोग ने बड़े पैमाने पर रोजगार दिया है, लेकिन ये कहीं ना कहीं समस्या हो सकता है चुनाव में आप लोगों के लिए? देखिए नितिन जी, जो अभ्यर्थी हैं, विजय भाई यहाँ बैठे हुए हैं, ये भी हमारे भाई हैं और ये हमारे ही, जितने लोग वहां बैठे हैं वो भी हमारे प्रदेश के निवासी हैं, और हम लोग मानते हैं कि हम लोगों ने रोजगार दिया है और इन लोगों को भी रोजगार मिलना चाहिए। और लगभग 1,25,000 शिक्षकों की भर्ती हुई भी है उत्तर प्रदेश में। अब जब भर्तियां होनी शुरू होती हैं तो उसमें आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि कई चीजें पाई जाती हैं, तो कभी अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट तक लौट आते हैं, कभी हाई कोर्ट में चले जाते हैं, कभी इस तरीके की बहुत सी विसंगतियां पाई गई हैं। इसमें भी देखिए, जहां तक मतलब मेरा मानना है कि इसमें भी लड़ाई सिर्फ कटाप का ही है और आरक्षण का है। और अगर लगभग 31,000 की भर्तियों का आदेश जो है माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने दे दिया था, बाकी 37,000 के ऊपर जो है वो भर्ती के सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट के आदेश पर होनी थी। अभ्यर्थी पहले कम थे, कट ऑफ कम था, अभ्यर्थी जब बढ़े हैं तो कट ऑफ नेचुरली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मामला यहां पर आकर रुकता है, टेक्निकल है, इसमें सरकार का दोष नहीं है और ना हमारे अभ्यर्थी भाइयों का दोष है। अच्छा, ये एक टेक्निकल दोष है और मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की सरकार आने वाले दिनों में या तो कोर्ट का आदेश हो या माननीय मुख्यमंत्री जी इनकी मांगों को जरूर पूरा करें। तो इंतजार काहे का किया जा रहा है इतने? लेकिन 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 जो पात्र होंगे उनको ही। अच्छा, काफी लोग ऐसे इसमें हैं कि जिन जो पात्र नहीं है। अच्छा, और वो भी कह रहा है कि हमारा ये होना चाहिए, 60-65 की मांग, 40-45 होना है, 40-45 पर ये लोग मांग कर रहे थे। तो जो अपात्र होंगे उसमें मान लीजिए कि कहीं मेरिट में नहीं आ रहे होंगे, कहीं कुछ आ रहे हो, कहीं आरक्षण की श्रेणी है, कई चीज लिस्ट जारी होते ही बवाल शुरू हुआ। तो इन चीजों में नितिन जी मैं कहता हूं कि जो भी न्यायोचित होगा और जो पात्र होंगे माननीय मुख्यमंत्री जी इस चीज पर सुनवाई जरूर करेंगे। अच्छा, ये लोग जब आते हैं भाजपा कार्यालय या विधानसभा तो आप लोग लाठियां क्यों चलवा देते हैं? मांगे तो सुननी चाहिए ना, लोकतंत्र है, अगर इनकी कोई समस्या है तो बैठ के सुनना जरूरी है जी, आना चाहिए। देखिए ये युवा हैं और तरुणाई जब यह चलती है
तो थोड़ा सा वो तरुणाई थोड़ा विध्वंस भी करती है, तो सरकार को लॉ एंड ऑर्डर का भी डर रहता है। अच्छा, इन लोगों को 10-5 लोगों 20 लोगों को प्रॉपर तरीके से एक टीम बनाकर, एक जो है प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय राज्यपाल जी से, शिक्षा मंत्री जी से, पार्टी अध्यक्ष से मिलने का कार्यक्रम लेना चाहिए। अब पता चला कि 200-300 लोग चले जाते हैं, तो जब लॉ एंड ऑर्डर का की समस्या आएगी तो लाठियां तो जितने यहाँ अधिकारी आपके प्रदेश में बैठे हैं नितिन जी, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, जहां से भी निकले हो, इलाहाबाद गोरखपुर से निकले हो या सहारनपुर से निकले हो, कुछ उसमें आधे होंगे जो लाठी खाकर अधिकारी बन गए। अच्छा, ये मतलब चीजें लाठी खा रहे हैं, हम लोगों ने भी लाठियां खाई हैं, मतलब लाठी खा रहे तो ठीक है। नहीं नहीं ठीक मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, देखिए मैंने तरुणाई की बात की कि जब ये लोग आते हैं तो इन लोगों को एक सिस्टम से 10 लोग 5 लोग का जो एक प्रतिनिधि मंडल होता है उसको हिसाब से वहां जाकर मिलना चाहिए। तो अगर लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ेगा तो पुलिस प्रशासन क्यों लाठी मारेगा? पुलिस प्रशासन कोई दुश्मन है? इन्हीं के भाई उसमें भर्ती है। मैंने पहले कहा कि हमारे भाई हैं। ठीक है शाही साहब, ठीक है। मयंक यादव हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। मयंक भाई, ये क्या दिक्कत है? और 2019 की भर्ती है, 2021 आ गया है, 22 आने वाला है, चुनाव की तैयारी लगातार आप भी कर रहे हैं, बीजेपी भी कर रही है, सारे राजनीतिक दल कर रहे हैं, लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में कोई बात नहीं करना चाह रहा है, क्यों? देखिए, आज ही झांसी में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के जो भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए कहा है कि चाहे वो बीएड के हों, चाहे बीटीसी के हों, सरकार आने पर उन लोगों के लिए जो भी बेहतर से बेहतर होगा वो किया जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ तक बात आती है कि जो वर्तमान की सरकार है, जैसे अभी अश्विनी जी बता रहे थे कि जो लोग पात्र होंगे, इनके हिसाब से तो ये 69,000 जो सहायक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं, ये सभी अपात्र हैं। सिर्फ पात्र वही लोग हैं जो मुख्यमंत्री की जाति के लोग हैं, क्योंकि ये मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से जातिवादी लोग। अब जातिवादी कहां से आप इसमें ले आए? देखिए, बात यहाँ पर ये भर्ती फंसी हुई है आरक्षण को लेकर। अच्छा, आरक्षण को लेकर शाही साहब, आ रहा हूँ शाही साहब, सुन लीजिए इनकी, फिर आता हूँ मैं आपके पास। देखिए, गलत कैसे बोलने दिया जाए? संघ और भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व जो है उसके इशारे पर आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। अगर आरक्षण की बात ना होती, आरक्षण को ही लेकर जिस पार्टी की नींव ही जात पर पड़ी है, ये वो जात की बात कर रहे हैं। हम यहाँ जात पर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, प्लीज। मयंक भाई, देखिए, आरक्षण भी जाति के आधार पर ही मिला, आरक्षण भी जाति के आधार पर ही मिला नितिन जी। तो भाई, अगर आप लोग जातिवादी नहीं है तो ये भर्तियां क्लियर करवा दीजिए, लेकिन आप लोगों के अंदर एक जातिवादी मानसिकता जो विस्तारित हो चुकी है पूरी तरह से, आप लोग आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, प्राइवेटाइजेशन करके खत्म करना चाहते हैं, या अब ऐसी भर्तियां, पिछले कई सालों से जो भी भर्तियां निकलती हैं पेपर लीक हो जाता है या भर्तियां न्यायालय में जाकर रुक जाती हैं। खैर, आप लोग भर्तियां रोकते रहिए, 2022 में वैसे भी आप लोग बीजेपी के लोग झोला उठाकर जाने वाले हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी जब 2022 में मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उन्होंने आज पूरे आश्वासन भी दिया है 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों की, हम आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। आप लोगों ने आज तक इनकी बातें क्यों नहीं उठाई? देखिए, आज ही मैं कह रहा हूँ, आज ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पहले बात उठाई है। जब भी कोई बड़ा कार्यक्रम होता था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो वो जरूर बोलते हैं कि जो भी रोजगार को लेकर, हम देखिए, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर निर्भर है। उसके जो मुद्दे हैं समाजवादी पार्टी के, वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर है। हमारे कोई और अदर मुद्दे नहीं है कि आस्था को लेकर हम लोग आस्था को मुद्दा बनाए, किसी को मुद्दा बनाए। हमारे मुद्दे सिर्फ स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, रोजगार, यही सब होते हैं। तो जैसे ही समय आएगा 2022 हम लोग चुनाव जीतेंगे और जनता का पूरा रुझान है हमारी तरफ। ठीक है, ठीक किया जाएगा। हुदा जरीवाला हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई है। मैम नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैम, ये कह रहा था कि ये 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है और 168 दिन से ज्यादा ये अभ्यर्थी प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। आखिर बीजेपी की दिक्कत क्या है या सरकार की दिक्कत क्या है, और इस भर्ती में ऐसी दिक्कत क्या है कि जो इनको अभी तक नतीजा नहीं मिला? किसान आंदोलन के जो विरोध में किसान बैठे हुए थे, उनको एक साल या एक साल से ज्यादा के बाद नतीजा तो दे दिया गया, लेकिन इन लोगों को कोई नहीं सुनने को तैयार है, कोई नहीं जानने को तैयार है, ऐसा क्यों? क्या है उत्तर प्रदेश की दिक्कत, क्या है सरकार की दिक्कत आपकी नजर में?
जी पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने चैनल में बुलाने के लिए। मेरी आवाज आप तक सही पहुंच पाई? जी बोलिए मैम। जी देखिए बीजेपी की राजनीति शुरू दिन से बेमानी वाली राजनीति है, जुमलेबाजी वाली राजनीति है, ठोको नीति वाली राजनीति है। बीजेपी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इतने हमारे जो छात्र हैं वो परेशान हैं, किसान थोड़ा मैं तो परेशान थे। बीजेपी का सिर्फ एक ही एजेंडा है कि जबरदस्ती करो, जो उनके रास्ते पे है वो उनकी तरफ है, जो जरा उनके खिलाफ बोले वो उस पे या तो किसी तरह का आरोप कोई लगा देते हैं, एनएसए एक्ट लगा देते हैं, यूएपीए लगा देते हैं, लाठीचार्ज करवा देते हैं, चाहे वो छात्र हो चाहे कोई भी हो। बीजेपी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि जनता कितनी परेशान है। आपने हाल ही में कोरोना काल में देखा था कि किस बुरी तरीके से गंगा मैया में लाशों के ढेर पे हो गए थे। हॉस्पिटल्स में हमारे पास ना ऑक्सीजन बेड थे, ना एम्बुलेंसेस थी, ना किसी तरह की कोई भी सुविधा मौजूद थी। तो बीजेपी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि जनता परेशान है। छात्र इतने महीनों से, एक साल तकरीबन या उससे ज्यादा मेरे ख्याल से वक्त हो चुका है जिसमें छात्र इतना परेशान है। ये वो लोग हैं जो शिक्षा पास करके, परीक्षा पास करके यहाँ तक आए हैं। ये भीख नहीं मांग रहे, ये इनका हक है। ये नौकरी इनको बहुत पहले मिलना चाहिए थी, ये रिक्रूटमेंट इनका बहुत पहले होना चाहिए था। ये छात्रों के साथ जो नाइंसाफी हो रही है ये बीजेपी के लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि चाहे वो पुलिस की भर्ती का मामला हो, चाहे इस तरह से टीचर्स की भर्ती का मामला हो, या तमाम जितने रिक्रूटमेंट को लेके जितने प्रोसेसेस हैं, उसमें बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ लोगों को मुझे लगता है परेशान करने में मजा आता है। क्योंकि जो अपना हक की बात करने, चाहे वो कोर्ट के दरवाजे खटखटाता है, चाहे वो सरकार के पास जाता है, कहीं ना कहीं उसको निराश ही होके आना पड़ता है, कहीं ना कहीं उसको सिर्फ और सिर्फ जिल्लत सह के आना पड़ता है। तो बीजेपी को चाहिए कि वो लोगों का दर्द समझे। अभी चुनाव का टाइम है तो उनको किसानों की बात याद आ गई, उनको किसानों के हुकूक की बात याद आ गई, उनको याद आ गया कि ये जो काले कानून थे ये वापस ले लेना चाहिए। एक साल तक किसानों को क्यों परेशान करा? एक साल तक किसान ने सर्दी गर्मी हर तरह के तमाम मौसम बदलते हुए देखा, इन्होंने इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। 700 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई है, उनको क्या ये लोग कंपनसेशन देंगे? उनके साथ क्या ये लोग इंसाफ करेंगे? मतलब बीजेपी के पास हर बात का सिर्फ एक ही जवाब है कि मोदी जी सही है और आदित्यनाथ जी का बाढ़ छूट गया है। मैडम वो बताइए, वो आग के बारे में भी कुछ बोलते ही नहीं है। मुद्दे की बात पे अगर आए तो ही किसी तरह की डिबेट हो। पूरे देश के बारे में आज 70,000 शिक्षक के बारे में बात हो रही है, तो पूरे देश में आप बोले चले जा रही हैं। तो तमिलनाडु में बाढ़ आई है उसके पर भी कुछ बोल दीजिए, हम लोग ज्ञानवर्धन हो जाएगा। तो आप हेलो जी, ये शाही साहब थे बीजेपी से, शाही साहब थे बीजेपी से, इन्होंने कहा कि तमिलनाडु में बाढ़ आई है उस मुद्दे पर भी कुछ बोल दिया जाए, क्योंकि आप मुद्दे से भटक रही हैं, ऐसा कह रहे हैं वो। नहीं तो आपके कहने का मतलब है, मैं जो कह रही हूँ वो आप अभी मेरे ख्याल से गालिबन उत्तर प्रदेश की डिबेट हो रही है, तो हम यूपी के छात्रों की, किसानों की, पोल्यूशन की, जिसमें कहीं भी केंद्र सरकार की मदद नहीं आती, इन मुद्दों पर बात करने को फैसला नहीं होगा। आ रहा हूँ विजय भाई, इसके बाद आपके पास आऊंगा। हाँ, बीजेपी के प्रवक्ता भाई नहीं, कृपया नहीं, मेरा आप सभी से अनुरोध है कि हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं उसी मुद्दे पर रहे, 69,000 शिक्षक भर्ती पर हम चर्चा कर रहे हैं उसी पर रहे, ना हम आज किसान पर जाएं, ना हम उत्तर प्रदेश में आतंकवाद या देश में आतंकवाद पर जाएं या किसी मुद्दे पर जाएं। 69,000 शिक्षक भर्ती पर रहे कि आखिर इनकी समस्या, इनकी पीड़ा इतने लंबे समय से चल रही, सुनी क्यों नहीं गई? मैं खाली इस पर डिबेट करना चाहता हूँ मैम, प्लीज। बिल्कुल, तो मैंने किसान की बात इसलिए करी थी क्योंकि हमारे एंकर भाई ने मुझसे किसान का क्योंकि थोड़ा सा जिक्र किया था, तो उस पे मैंने अपना जवाब दिया था। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है, आज मुद्दा शिक्षकों का है, आज मुद्दा हमारे देश के छात्रों को है, हमारे उत्तर प्रदेश के वो छात्र जो पढ़ लिख के मेहनत करके वहां तक पहुंच के हैं, जो अपने कोचिंग में पहले तो इतना पैसा लगाना पड़ता है, उनको दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, अपने जो स्टेबल जॉब्स होते हैं या उनके पास किसी और तरह का अगर जॉब्स का कोई सिचुएशन भी आता है तो वो उसको साइड पे रख के अपने करियर को इस दिशा में ले जाना चाहते हैं, ये कोई आसान नहीं होता है। तो ये छात्रों के साथ जो नाइंसाफी हो रही है उस पे उत्तर प्रदेश की जो मौजूदा सरकार है, आदित्यनाथ जी की जो सरकार है, उनको
बात सुननी चाहिए, छात्रों के साथ उनका जो भी मसला है वो बैठ के हल करना चाहिए, ना कि उन पे लाठीचार्ज किया जाए, ना कि उनको इस तरह से ठंडी में तड़पने के लिए छोड़ दिया जाए। नेक्स्ट राउंड में आता हूं विजय भाई, दो तीन सवाल मेरे पास सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, क्योंकि आपके बहुत से साथी ऐसे हैं जो लगातार आज की डिबेट को देख रहे हैं और उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि कुछ 22,000 भर्ती को लेकर भी कुछ बवाल आप लोगों का है, 1,37,000 भर्ती का भी कोई जिक्र किया जा रहा है, और तीसरी तरफ अश्विनी शाही साहब कह रहे हैं कि जो पात्र होगा उसी को ही नौकरी दी जाएगी। ये अपात्र वाला मामला क्या है? क्या आप लोगों में कुछ लोग अपात्र भी हैं जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए सर, पहली बात तो मैं अश्विनी भाई ने भाई बोला है तो मैं कहूँगा कि आप मेरे बड़े भाई जैसे हैं, इसको आप मेरी जो है शिकायत मत समझिएगा। ये निवेदन है आपसे कि पहली बार जब भी अगर आप किसी शिक्षक भर्ती के मामले में अगर आप किसी डिबेट में जाएं तो आपसे मेरी गुजारिश है कि कम से कम उस मामले को पूरा समझ के आया करें। पहली बात तो ये चाहे वो 22,000 के लोग हों, चाहे आरक्षण मुद्दे पे जो संघर्ष कर रहे हुए लोग हों, वो सभी जो आपने मानक तय किए थे जिसका भी आप जिक्र कर रहे थे कि 90-97, ये सभी मानक पार करके बहुत आगे निकले हुए लोग हैं। ये लोग किसी के 110 नंबर हैं, किसी के 112 नंबर हैं, 115-15 नंबर तक लाकर सब बेरोजगार हैं। दूसरी बात मैं एक चाहूँगा, मैं सीधा जवाब चाहूँगा बिना किसी इंटरफेयर के, मैं शाही भाई से ये जवाब जानना चाहूँगा कि देश में जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की एक संस्था बनाई गई है, क्या उसके कोई मायने है? उसकी जो रिपोर्ट है क्या उसका कोई मतलब है? क्या उसके लिए कोई जिम्मेदारी जवाबदेही है? 69,000 शिक्षक भर्ती में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है जो 29 अप्रैल 2021 को जारी हुई है और उसमें साफ साफ बताया गया है आरक्षण के नियमों की अनदेखी हुई है। उसकी जवाबदेही आखिर किसकी है? अगर वो रिपोर्ट आई है तो क्या उस रिपोर्ट को लागू करने के लिए 6 महीने से ज्यादा का समय नाकाफी है? क्या हमें और लंबा संघर्ष करना पड़ेगा? और एक बात का और, मैं इनके सवाल अभी सुन रहा था, इनकी बातें सुन रहा था, इन्होंने कहा कि लाठियां खाकर लोग अधिकारी बन गए, कर्मचारी बन गए। तो मैं कह रहा हूं कि मेरी तरफ से एक सुझाव है कि आप जो परीक्षा का मानक तय करते हैं उसमें लाठी खाना भी एक मानक तय कर दीजिए, तो हम लोग लाठी भी खाएंगे। लेकिन मेरा एक सवाल मैं सिर्फ इतना जवाब चाहता हूँ इस डिबेट में आपकी कि हमारे अश्विनी शाही बड़े भाई हैं, वो इस बात को जवाब दे दे मुझे कि क्या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जो रिपोर्ट है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए कोई मायने है उसके या नहीं है? मुझे सीधा सा जवाब चाहिए। एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा था, क्योंकि मेरे पास जो रिपोर्ट निकल कर आई थी उसमें पता चला कि 3 दर्जन से ज्यादा आपके साथी ऐसे हैं जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, चोटें आई हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने आत्महत्या तक के प्रयास किए हैं, क्या ये बात सही है? जी बिल्कुल सही है। आप देख रहे होंगे लखनऊ में हालात कैसे हैं, डेंगू के कितने बुरे हालात थे कि सरकारी अस्पतालों में जगह नहीं थी सर, और हम लोग पिछले 6 महीने से इको गार्डन में वहीं पे, चाहे गर्मी रही हो, पूरी बरसात रही हो और अब सर्दियां आ गई हैं, हम लोग लगातार वहां पर संघर्ष करते रहे, यहां तक कि मुझे भी डेंगू हुआ। अच्छा। और मैं उससे उभर कर यहां आपके बीच में बैठा हुआ हूं। मैं चाहता हूं कि हम लोग विषय से ना बटके, मैं अश्विनी शाही जी से मैं जानना चाहता हूं कि क्या जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसकी अभी हमारे मुख्यमंत्री जी कुछ दिन पहले ही तारीफ कर रहे थे कि पिछड़ों का अधिकार सुनिश्चित हो, उनके अधिकार पर कोई डाका ना डाल सके, क्या उसकी रिपोर्ट के उत्तर प्रदेश सरकार के लिए कुछ मायने हैं और वो कब तक लागू हो रही है, इसका जवाब मैं जानना चाहता हूं। ठीक है शाही साहब। ये और रहेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। और रही लाठी वाली बात, तो मैंने उसमें पूरी बात जो जोड़ा है उसको भी पूरा सुनिए। ये तरुणाई जब चलती है तो मैंने उसकी बात कही थी और आप लोगों से ये भी आग्रह किया था कि कुछ लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल बनाकर मिलना चाहिए कि जो लोग आप सर मुलाकातें कई बार इन लोगों ने की कितनी मुलाकातें करी हैं सर हम लोग कितना बताएं? नहीं नहीं मैं क्या बहुत लंबा हो जाए तो फिर सर आप मुद्दे पे आ जाइए और इतना बता दीजिए कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। जी बिल्कुल, मैं अभी तक नहीं भटका हूं विजय जी और ना भटकूंगा। तो वहां पर अगर आप, जब मैंने पहले कहा प्रशासन के सामने लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खड़ी होगी तो प्रशासन अपने हिसाब से काम करेगा, उसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। उसमें जब प्रदर्शन होता है और विपक्षी दल होते हैं तो भाई सपा थोड़े ही है कि राजभवन के सामने पुलिस वालों को मारना शुरू कर देंगे लाठी लेके। ये लोग वो सभी लोग देखते हैं जो लाठियां चलती हैं डेली, आपकी पुलिस जो चलाती सर, है माननीय मुख्यमंत्री जी सर, मेरा जवाब आ गया, अभी आता हूं जवाब आता हूं मुद्दे पर। देखिए विजय जी ने कहा कि पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में बात कहा और माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में कहा, मैं कहा कह रहा हूं, मैं नकार रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने गलत कहा या पिछड़ा वर्ग आयोग ने गलत कहा। क्या आप जो लोग वहां पर कर रहे हैं प्रदर्शन उसमें से कुछ भाई अगर हमारी जानकारी, तो आपने कहा कि अधूरी है, आप पूरी जानकारी लेकर आया करिए, हो सकता है कहीं अधूरी हो गई हो,
क्या अपने भाइयों को आप समझा पाने में सफल रहे कि भाई कोर्ट मत जाओ, हम सरकार के साथ है, सरकार हमारा काम करेगी। सर एक बार अपने अधिकारियों के बारे में बोल देते हैं जो पेपर सेट करते हैं, जो घोटाले करते हैं, अरे बात एक बार उनको भी तो बोलना चाहिए आपको। घोटाला घोटाला देखिए, आज एक बात मैं बहुत मेरे से स्पष्ट कोई प्रवक्ता आप नहीं पाएंगे, इसीलिए सर आपको बुलाया ही आज, उसको ध्यान दीजिएगा शाही साहब, इसीलिए आज आपको बुलाया मैंने। नहीं नितिन जी देखिए, यहाँ हम सब लोग बैठे हैं चर्चा पर, न कोई किसी के ऊपर आरोप लगाने हम नहीं बैठे हैं, और यू खास करके युवाओं के हक के लिए तो आरोप नहीं लगाना। नहीं, मुझे पता था कि आपसे बेहतर जवाब कोई नहीं दे सकता, इसी वजह से मैंने बुलाया ही आज आपको। तो देखिए नितिन जी, मैं ये कह रहा हूं कि कहीं सरकारों की भी मजबूरी होती है, सरकारों की इच्छा नहीं होती है। इस सरकार अगर हमारे पास 70,000-69,000 लोग जो है भर्ती कर रहे हैं और मामला कोर्ट में विचाराधीन है, तो कोर्ट के आदेश पर, देखिए कोर्ट ने भी तो इनको आदेश दिया था कि अगली भर्ती में इनको प्राथमिकता दी जाएगी। अरे सर कौन सी भर्ती, मैं गलत कर रहा हूं तो बताइए। बिल्कुल गलत कर रहे हैं आप, आपको बिल्कुल जानकारी नहीं है, कहीं ऐसा आदेश नहीं है। क्यों नहीं, कोर्ट का आदेश आया था कि नहीं? कौन सा कोर्ट आदेश की आप बात कर रहे हैं, आप बताइए कौन सा कोर्ट का आदेश है जिसमें कहा गया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अगली भर्ती में मौका दिया जाए। मैंने इसीलिए कहा सर, आप बड़े भाई जैसे हैं, मैंने इसीलिए निवेदन किया। सुनिए, जो आप लोगों ने जो अभ्यर्थी आपके आपके पढ़े थे तभी तो कटा बढ़ाया गया था जी। बिल्कुल है? सर मेरा जवाब नहीं है, मैं सिर्फ ये सुनना चाह रहा हूँ। पिछड़ा वर्ग जो रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि आरक्षण के नियमों को घुमा के ला रहे हैं, जानकारी नहीं है। नहीं नहीं, मैं इसी बात पे आना, मैंने कह दिया कि पिछड़ा वर्ग आयोग सरकार का ही हिस्सा है। बिल्कुल, ये संवैधानिक जगह एक बनी हुई है पिछड़ा वर्ग आयोग, उसकी बात को माननीय मुख्यमंत्री जी मान रहे हैं, तो मैं तो वही चीज कह रहा हूँ भाई जी। सर ये तो अपने लोगों बहुत को बहुत धन्यवाद आपका, मैं आभार करता हूँ पूरे संगठन की तरफ से, जो बेरोजगार हमारे साथी 168 दिन से हैं, कि आप एक जिम्मेदार प्रवक्ता होकर इस टीवी पे कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जिस बात को मान रहे हैं, तो सर इतना बता दीजिए, और जैसे बेबाकी से भी आपने ईमानदारी से पूरी बात की है, मुझे इतना जवाब देकर मैं लेकर मैं जाऊंगा। आगे मैं एक लाइन और मैं जोड़ता हूं। हां जी बिल्कुल, आपका आप लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा, ये मैंने फिर अभी सपा की बात की और सपा के साथी हमारे बोल रहे थे, जातिवादी बात किया उन्होंने, पुलिस भर्ती में क्या हुआ था उनको पता है, ये बात डिटेल हो जाएगी, हम वहां नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको उसका पलटवार, मैं वहां नहीं जा रहा हूं, बिल्कुल मत जाइए, मैं आपके साथ हूं इस मामले में, आप सर वहां मत जाइए, आप सिर्फ हमारे मुद्दे पे नहीं जा रहा हूं भाई, 168 दिन हमको नहीं जा रहा हूं, कितने दिन और हमको वहां पर बैठना पड़ेगा, कितने दिन हमको और बैठना पड़ेगा ये बता दीजिए सर। विजय जी सुनिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में अगर ये चीज है तो वो 24 करोड़ प्रदेशवासियों के लिए बेहतर काम कर रहे हैं। पहला मुख्यमंत्री मिला है जो पूरे प्रदेश के हर जिले में 3-3, 4-4 बार दौरा कर लिया है। कुछ मुख्यमंत्री तो यहाँ थे जो गाजियाबाद जाके उद्घाटन करते थे, नोएडा नहीं जाते थे। तो एक कर्मयोगी मुख्यमंत्री मिला है, और मैं अपने सपा की साथी जो बैठी है मैं कहना चाहूंगा, इन्होंने बहुत कुछ कहा था, इनके यहाँ 2 साल में भर्तियों का एक आंकड़ा आया था, 28 भर्ती हुई थी सिर्फ, उसको भी ध्यान में रखा जाए। तो उत्तर प्रदेश सरकार में हम लोगों ने 4.5 लाख भर्ती किया, जिसमें 1,37,000 पुलिस की है, 1,25,000 जो है शिक्षक भर्ती किया हम लोगों ने सर, सब सही है, अभी भी लिस्ट पूरी पड़ी हुई मैं है। इतना चाहता हूं सर आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती है, इतना आश्वस्त कर दीजिए कि 168 दिनों का संघर्ष जो हम लोगों का है वो कब अपने मकाम तक पहुंचेगा। एक सवाल और था विजय जी, मैंने आपको मैं आश्वस्त कर रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ जी जैसा मुख्यमंत्री आपको मिला है, यहाँ अन्याय नहीं होगा। लेकिन एक सवाल विजय जी मैं आपको छोड़ जाता हूँ आखिरी वाक्य में, कि जितने लोग आज यहाँ पर बैठकर आपके साथ हमदर्दी जता रहे, समाज मतलब पार्टियों वाले टीवी नितिन जी का तो आभार व्यक्त करिए कि आज इतने बढ़िया मुद्दे पर आपको यहाँ पर बुलाए, ये कितने लोग आपके साथ हमदर्दी जताने के अलावा किसी 2 टाइम का खाना भी पूछने गए हैं, आपको जरा बता दीजिए हमको, एक नाम ले लीजिए पार्टी का। नहीं नहीं, हमारा डिप्टी सीएम हमारा प्रदेश अध्यक्ष वो भी तो पूछने नहीं आया सर, हम किसकी शिकायत करें, सबने तो नहीं कहा, मेरे समेत नाम लीजिए ना भाई, मैंने कहा ना आपका लेके कहा कोई नहीं गया है, सिर्फ बेरोजगारी में कैसे सोते हैं, रजाई की व्यवस्था कैसे। अरे तो सर ये खाना नहीं मांग रहे ना, ये कह रहे हैं हमें खाना नहीं चाहिए, हमें तो रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। नितिन भाई, नितिन भाई, इतना राशन क्या कहना चाह रहा हूँ, राशन कहीं आदि हो जाए, और अगर आपको कुछ मिलेगा तो वो माननीय कर्मयोगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ही मिलेगा, और
अधिकार मिलेगा, न्यायोचित अधिकार आपको मिलेगा। एक मेरी भी बात सर आप सुन लीजिए, देखिए हम लोग शिक्षक हैं, चाणक्य हैं, हम लोग अपना पेट कैसे पालना है, अपने आप को कैसे गुजारा करना सर, वो हम लोग बहुत बेहतर जानते हैं। आप बस इतना हमको आश्वस्त कर दीजिए कि हमारे साथ न्याय कब तक हो जाएगा, क्या चुनाव की आचार संहिता लगने के पहले हम लोगों का भला हो जाएगा, कि 168 दिन का संघर्ष और कितना लंबा चलेगा, ये सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर बैठ कर ये मीडिया डिबेट पर मैं ये आश्वासन नहीं दे सकता कि कितना दिन लग जाएगा, लेकिन ये जरूर कह सकता, आश्वासन दे सकता हूं और दे रहा हूं कि जितने लोगों ने आपसे पूछा, मैं सवाल मैंने इसलिए पूछा कि मेरे समय बताइए, कोई खाना पूछने नहीं गया आपको, आप लोग 168 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, तो आपको न्याय इन लोगों से नहीं मिलेगा, ना बरगलाने से इनकी आप कहीं वो करेंगे। ठीक है, अरे सर माननीय मुख्यमंत्री जी बाद में फिर लेबल लगाते हैं ना सब लोग कि ये तो विपक्षी पार्टी के लोग। विजय भाई एक लाइन की बात है, अभी तक खत्म कर दिया होता। ठीक है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी न्यायोचित और जितना जल्दी हो सकता है आप लोगों के पक्ष में जरूर न्याय करेंगे, इतना मैं आश्वासन दे सकता हूँ। ठीक है, हुदा जी आप कुछ बोलना चाह रही हैं बहुत देर से। जी मैं शाही भाई की ये तमाम बातों से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती हूँ, मैं सिर्फ एक उनसे सवाल करना चाहती हूँ कि वो सिर्फ इतना बता दे कि छात्रों को न्याय कब मिलेगा। इधर उधर की बातें कर रहे हैं वो, उसमें ना छात्रों का न्याय की बात हो रही है, ना रिक्रूटमेंट की बात हो रही है, ना रोजगार के आगे का क्या मुद्दा होगा उसकी बात हो रही है। तो ये इस तरह से जो बीजेपी के टैक्टिक्स है कि यहाँ वहां की बात करके जो मुद्दे की बात है उसको भुला दो, वो कृपया करके ना करें। आप बड़े हमारे बीजेपी के पढ़े लिखे प्रवक्ता मालूम होते हैं, तो आपसे ये गुजारिश है कि सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए। जी जी बिल्कुल, तो हम उनसे यही उम्मीद करते हैं कि उनको पता हो कि छात्रों का दर्द क्या है, कितनी मुश्किल होती है कि ऐसे मौसम में सर्दी गर्मी तमाम मौसम गुजर चुके हैं, छात्र इतना परेशान है, वहां पे बेहाल है, बेबस है। आप मतलब उसको आपका ये कहना बिल्कुल गलत है कि कौन सी पार्टी जा रही है, विपक्षी पार्टी जा रही है, नहीं जा रही है। आप इसको राजनीतिक मुद्दा बनाइए ही मत, आप इसको सिर्फ और सिर्फ जो छात्र का मुद्दा है, तालीम का मुद्दा है, एजुकेशन का मुद्दा है, उसको मद्देनजर रखते हुए बता दें कि हमारे छात्रों को कब न्याय मिलाएगा। ठीक है, हाँ मयंक भाई कुछ कह लीजिए, फिर शाही साहब के पास हम चलते हैं। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी अश्विनी जी कह रहे थे कि विपक्ष के लोग बरगला रहे हैं, तो अश्विनी जी को मैं बताना चाहूंगा, बरगला तो आप लोग इन अभ्यर्थियों को रहे हैं करीब 2 साल से। नहीं, वो तो ये भी कह रहे हैं कि आप लोग कभी राशन पूछने भी नहीं गए इन लोगों को। देखिए राशन जो है ये लोग थैलियों में भर भर के दे रहे हैं, ये तो सभी लोग देख रहे हैं, वो बाकायदा होर्डिंग पोस्टर बैनर लगाकर प्रचार भी हो रहा है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं दिल्ली की सड़कों पर भी होर्डिंगे लगाकर प्रचार हो रहा है कि यूपी में फ्री का राशन दिया जा रहा है। लेकिन ये लोग इसके भी पोस्टर लगाएं कि हम लोग 69,000 जो सहायक शिक्षक अभ्यर्थी हैं उन लोगों को रोजगार नहीं दे रहे हैं, हम लोग टेट का पेपर लीक करवा रहे हैं, हमारी सरकार पेपर लीक करवा, ये भी तो पोस्टर लगवाइए साहब आप लोग। भाई आप लोग विपक्ष पर आरोप लगा देते हैं, इनकी पूरी सरकार पिछले 5 सालों पे अखिलेश यादव जी के ही नाम पर चल रही है, बाकी इन लोगों ने अपने ऊपर कुछ नहीं किया है, इन्होंने पेपर लीक करवाए हैं, लोगों को बेरोजगार किया है। जब कोरोना काल था तो माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी ब्रांडिंग दूर दूर जाकर कर रहे थे और वहां पे सिगूफे गढ़ रहे थे कि हमारा उत्तर प्रदेश ये है, हमारा उत्तर प्रदेश वो है, जबकि सच्चाई ये है उत्तर प्रदेश में जो भी है वो पिछले 5 सालों की सरकार का, जो भी ये लोग उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं पिछले 5 सालों की सरकार का ही है, अखिलेश यादव जी की सरकार का है। मैं अश्विनी जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इन अभ्यर्थियों को जो रोजगार नहीं मिल रहा है, इनके हक की जो बात है, इनके अधिकार की जो बात है, राशन आप देना चाहते हैं राशन दीजिए, लेकिन भाई ये लोग रोजगार चाहते हैं, राशन की व्यवस्था इनकी हो जाएगी, ये लोग इन लोगों को खाना मिल जाएगा, आप इनका रोजगार इनका हक तो दीजिए, आप लोग इनका हक तो ना मारिए, इनका हक सिर्फ मुख्यमंत्री जी अपनी जाति तक ही सीमित रखना चाहते हैं, ये एक सत्य है, इस सत्य को आप लोग एक्सेप्ट करिए माननीय मुख्यमंत्री जी। आने वाले दिनों में आप लोग सड़क पर उतरेंगे इन लोगों को लेकर के? देखिए हम समाजवादी लोग देखते होंगे कि अक्सर सड़कों पर उतरते हैं और हमारे जो भी मुद्दे होते हैं चाहे वो किसानों के मुद्दे हो, ये भी नौजवानों के, जी ये भी आप ही का मुद्दा है। देखिए हमारा मुद्दा है और हमारी सरकार जब भी बनती है या हमारे जब 2022 के हमारे मुद्दे हैं रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब हमारे मुद्दे हैं, बीजेपी की तरह भारतीय जनता पार्टी की तरह हमारे मुद्दे आस्था को ठेस पहुंचाने के नहीं है, किसी जाति वर्ग को अपशब्द कहने के लिए नहीं है,
ठीक है, हम लोग शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पर ही अपना पिछला चुनाव लड़े थे, जनता का जो मैंडेट आया हम लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं और हमको जनता फिर चुनने जा रही है। अरे ऐसे नहीं ना, आप लोग क्या आगे चल के इन लोगों के साथ खड़े होंगे, सड़क पर उतरेंगे, सरकार के पास जाने की कोशिश करेंगे इनकी मांग को लेकर के? देखिए मुश्किल से 15-20 दिन बाद शायद आचार संहिता लग जाए और माननीय मुख्यमंत्री झोला उठाकर उत्तराखंड चले जाएंगे। फिर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने आज आश्वस्त किया है इन 69,000 सहायक शिक्षक वाला आपकी बात पे हंस रही हैं। देखिए कोई हंसे या कुछ भी करे, अखिलेश यादव जी के बारे में सभी लोग जानते हैं कि वो जो कहते हैं वो करते जरूर हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरह जुमलेबाजी नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को आप भारतीय झुंझुना पार्टी भी कह सकते हैं। इन्होंने नौजवानों और किसानों महिलाओं को सिर्फ झुंझुना ही दिया है। मैंने जो पूछा उसका जवाब नहीं दिया, लेकिन आपने देखिए हमने आपका जवाब, यही मेरा जवाब है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज ही झांसी में बोला है कि इन 69,000 अभ्यर्थियों को हमारी सरकार आने पर रोजगार मिलेगा। ठीक है हुदा जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर हम शाही साहब के पास चलेंगे। जी मैं दरअसल बस एक छोटा सा क्लियरेंस देना चाहती थी कि वो हंसी में उनकी आदित्यनाथ जी की बात पे हंस रही थी जी। जिस बात से मैं इत्तेफाक भी रखती हूँ कि वाकई में यही होता है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से कहीं को ही रिस्पॉन्सिबल कदम नहीं उठाया जाता। और क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार के इतने ये लोग एडवर्टाइजमेंट्स में इतने करोड़ों करोड़ रुपए खर्च करते हैं और कहीं ना कहीं इस तरह के जो मुद्दे होते हैं जो वाकई में, जैसे चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, किसानों का, या मैं मुद्दे से भटकने नहीं चाहती लेकिन महिला होने के नाते महिला सुरक्षा मेरे लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो किसी भी मुद्दे से इन पे जवाब मांगो जवाब कभी भी नहीं मिलता है। उल्टा जो मुद्दा उठाता है उस पे या तो एनएसए एक्ट लगा दिया जाता है, यूएपीए लगा दिया जाता है, तो ये बड़ी एक अफसोसनाक बात है। और जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं लोग प्रोटेस्ट करते करते आंदोलन करते करते, या जैसे ये बेचारे छात्र जो इतने अरसे से वहां पे परेशान है और उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो लोग कहीं ना कहीं मतलब इतने त्राही त्राही से गुजर रहे हैं, इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि मेरा ख्याल से इस वक्त लोगों को समझना चाहिए कि बीजेपी से हटके लोगों को बियॉन्ड देखना चाहिए। आम आदमी पार्टी की तरफ से तमाम जो छात्र हैं उनकी तरफ से तो फेवर है ही। नहीं, फेवर कैसा मैम, क्या आप लोग, क्या आप लोग आने वाले दिनों में इन लोगों के पास जाएंगे, इन लोगों के साथ सड़क पर उतरेंगे? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल उतरेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी हर उस मुद्दे को उठाती है जो जनता से रिलेटेड हो। अब तक क्यों नहीं किया डेवलपमेंट मॉडल, अब तक क्यों नहीं किया? हमने बिल्कुल किया है, हम वहां पे जाके एक छात्रों के साथ हम खड़े रहे हैं, छात्रों का मुद्दा उठाए हैं, उस पे हमने बयानबाजी भी करी है, ट्वीट भी करे हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि हमें छात्रों से लगाव नहीं है, क्योंकि एजुकेशन का जो मुद्दा है, तालीम का जो मुद्दा है, आपने देखा है दिल्ली में स्कूल्स को कितनी तरजीह दी जाती है, कितनी तवज्जो दी जाती है, तो जहां पे छात्र परेशान है आम आदमी पार्टी पीछे पीछे है और ता हमेशा रहेगा। ठीक है मैम, हाँ शाही साहब जवाब। विजय जी से माफी के साथ अब थोड़ी देर में राजनीतिक जवाब दे लूं, अपने आम आदमी पार्टी से शुरू करता हूं। इन्होंने अभी करोड़ों खर्च और इसकी बात की, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, पराली पे बात करूंगा सर, जल्दी कीजिएगा, फिर हम इसी मुद्दे पे आना भी है। पराली दिल्ली के आसपास, दिल्ली के आसपास में अरविंद केजरीवाल जी ने पराली के लिए बहुत बड़ा काम कर दिया, सारे होर्डिंग लगे थे पूरे दिल्ली में और आज उसी पराली पर सुप्रीम कोर्ट की डांट भी सुन रहे हैं। ये करोड़ों रुपए क्यों खर्च होता है? अपने घर में नहीं, सुन लीजिए सुन लीजिए, अपने घर में नहीं है दाने और अम्मा चली बुलाने, आपके यहाँ ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन तो उत्तर प्रदेश में भी नहीं था जब माननीय मुख्यमंत्री जी ब्रांडिंग करने बंगाल गए हुए थे, यहाँ हजारों लोग शिक्षक भर्ती पे बात करिए प्लीज। आप सभी देखिए 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 विजय विजय देखिए सुनिए मेरी बात, आप लोगों से अनुरोध है कि विजय यादव जैसे कई लोग हमें इस डिबेट को देख रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि उनका मजाक बने, अगर हम किसी और मुद्दे पर चर्चा करते रहेंगे तो उनका मजाक होगा, तो प्लीज मुद्दे पर। विजय भाई मैं इसके पास आप ही के पास आऊंगा जी। देखिए नितिन जी, मैंने विजय भाई से माफी मांगा क्योंकि मेरे ऊपर राजनीतिक आक्रमण हो रहा है, तो उसका भी जवाब देना जरूरी है। बहुत मुद्दे मिलेंगे, बहुत पहले टीवी चैनल पे आप जाएंगे
मैं एक निवेदन करूंगा सर, मुझे थोड़ा सा और टाइम चाहिए जी। अभी आप कह रहे थे कि 22,000 को लेके कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, हमारी एक बहन है शिखा पाल नाम है उनका, पिछले 6 महीने के करीब वो एक शिक्षा निदेशालय के पीछे एक टंकी है पानी की, उसके ऊपर वो बैठी हुई है। मुझे 6 महीने से 6 महीने उनको होने वाले हैं, और मेरा ये मानना है, हालांकि मैं उस आंदोलन में नहीं शामिल हूँ, हम लोगों का आंदोलन इको गार्डन लखनऊ में चल रहा है, लेकिन ये मेरा मानना है और जितने ये पैनलिस्ट हैं और इवन आपको भी इस बात को एडमिट करना चाहिए कि सरकार किसी की भी हो, लेकिन किसी की बहन बेटी 6 महीने से अगर टंकी पर बैठी हो तो इतनी मानवता, इतनी शालीनता हमारे अंदर, इतनी इंसानियत होनी चाहिए कि हम उस महिला के पास, उस बहन के पास, उस बेटी के पास जाएं और उसकी समस्या पूछें। और क्या उनके पास कोई भी नहीं गया पूछने के लिए कि क्या हुआ, क्या दिक्कत है? इसका जवाब मैं क्यों दूं? हमारे बड़े भाई जैसे शाही जी हैं, आप उनसे पूछिए, इसका जवाब मैं चाहता हूं कि वही दें। ठीक है शाही साहब, आप बताइए अपनी पूरी बात। प्रशासन ने कई बार कोशिश की, प्रशासन की पूरी निगरानी में है वो, वहां पर जो भी चीज है, जो टंकी पर बैठी हुई है उसके बारे में अखबारों में भी कई बार निकला था सर। ये मैं सर, मैंने पूरी डिबेट में आपने बहुत सम्मानित होने का परिचय दिया है सर, इतनी छोटी बात मत करिए। हम आप अपनी बहन बेटी को ये कह के नहीं कह सकते कि हमारी बहन बेटी के लिए प्रशासन लगा हुआ है इसलिए हम उसको टंकी पर बैठना देखना चाहेंगे, ये आप लोगों की सर जिम्मेदारी है। आप लोग बड़ापन दिखाइए, आप लोग बड़प्पन दिखाइए। सरकार आपके साथ है विजय भाई, कहीं आप उसमें मत रहिए, सरकार आपके लिए न्यायोचित काम करेगी, इससे ऊपर कोई आश्वासन मैं इस टीवी चैनल पर नहीं दे सकता। ठीक है, बाकी राजनीतिक दलों ने जो कहा है उस पर भी कुछ बोलना चाहेंगे आप? शाही साहब जी जी जी, देखिए राजनीतिक दलों को, मैंने आज का विषय संवेदनशील था, मैं संवेदनशीलता से दूर नहीं होना चाह रहा था, थोड़ा सा मैंने बोलना चाहा तो सपा के मित्र देखिए बीच में इंटरप्ट करना शुरू कर दिए, तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। आजम खान जी की जल निगम की भर्ती सबको याद है, 1300 SIT की जांच में दोषी पाए जा चुके हैं, 52,000 भर्तियों पर इनके CBI की जांच चल रही है, तो इनकी भर्ती वो नहीं है हमारी, हमारी जो भी भर्ती है पारदर्शी रही है, चौराहे पर हमारे माननीय मंत्री जी लोगों ने, माननीय सांसद लोगों ने नियुक्ति पत्र बांटे हैं, नियुक्ति पत्र बांटे हैं। हाँ विजय भाई जी, सर देखिए मैं अपने जो प्रवक्ता हैं BJP के, और बहुत ही शालीनता से उन्होंने पूरी डिबेट को संचालित जो है उसमें पार्टिसिपेट किया है, मैं पूरे ईमानदारी से एक जवाब चाहता हूं, और मैं यहां से बाहर जाऊंगा, मुझे पता है कि बहुत सवाल मुझसे होने हैं, बिल्कुल सर, और सभी लोग इस बात को पूछेंगे, लाखों लोग इस वीडियो को देखेंगे, मैं सिर्फ एक एक जवाब चाहता हूं कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट लागू होगी और हम लोगों को न्याय मिलेगा, इस बात में कहीं भी कोई गुंजाइश बचती हो तो हमें बताया जाए, हम अपना संघर्ष थोड़ा सा और लंबा कर लेंगे, लेकिन हमारे साथ छलावा नहीं होना चाहिए, छल नहीं होना चाहिए सर। ठीक है शाही साहब, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने जो रिपोर्ट दिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर संज्ञान लिया है, तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी आपके साथ न्यायोचित होगा वो कार्यवाही जरूर करेंगे, इसमें कहीं आप एक लेस मात्र भी किंचित संदेह मत करिए, प्रदेश को कर्मयोगी मुख्यमंत्री मिला है और कर्मयोगी मुख्यमंत्री के साथ आप अगर हैं तो न्याय आपको मिलेगा और उनका आप इंतजार करिए। चुनाव के पहले मुख्यमंत्री जी झूठ और अहंकार से भरे हुए हैं सर, चुनाव के पहले तो नहीं चुराते हैं, संख्याकों को पहले चोटी नहीं चुराते हैं ना, चोटी नहीं चुराते हैं, बस 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 हम गन्ना गन्ना करते हैं, जिंदा जिंदा करिए, बस आगे गन्ना गन्ना करते हैं, गन्ना का पेमेंट करते हैं, जिंदा जिंदा करिए, प्लीज 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 टॉपिक पे रहिए, रोजगार की बात करेंगे, मुख्यमंत्री जी ने कहा था आपके टॉपिक पे रहिए, प्लीज अध्यक्ष है उन्होंने जिन्ना कहा था, ठीक है टॉपिक पे रहिए, और पूरा बयान आपने सुना था इस वक्त फेसबुक पर सुना था, बड़े प्यार से सुना था, फेसबुक माफी नहीं मांगते आप लोगों की तरह, माफी का दिया नहीं है, हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं, हत्यारे हैं ये, आप लोग जो कहना चाहते हैं ये जनता जानती है, आप लोग सिगोफा में कोई नहीं आने वाला है, जनता जानती क्या है, प्लीज टॉपिक पे, प्लीज टॉपिक पे, हुदा जरीवाला कुछ कहना चाह रही है, प्लीज आप लोगों के लिए मैं क्या करूं जी, बताइए हुदा जरीवाला मैम। मैं जो BJP के प्रवक्ता हैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि प्लीज मुद्दे पे पहली बात तो रहे, और दूसरी बात ये कि ये बहुत ही सीरियस मामला है, ये हमारे देश के फ्यूचर का मामला है, हमारे छात्र जो इस मुल्क को आगे लेके जाएंगे उनका मामला है, तो प्लीज आप इधर उधर की बात मत करिए, आप मुद्दे पर आइए, आप ये बताइए कि इनका हल आदित्यनाथ जी करेंगे और कब करेंगे, क्योंकि आप लोगों की जो ब्रांडिंग है जिसकी वजह से आप लोग इतने ज्यादा अपने
सीएम साहब के लिए इतना ज्यादा, चाहे वो गलत भी अगर नीतियां कर रहे हैं। शाही साहब वन बाय वन मैं आ रहा हूँ। हाँ शाही साहब क्या कह रहे हैं, आपका पूरा का पूरा आप लोग उनकी गलत चीजों पे भी आप सपोर्ट करते हैं। प्लीज समझिए कि ये हमारे देश के मुस्तकबिल का, फ्यूचर का सवाल है। हमारे बहुत छोटे छोटे के बच्चे हैं। आप लोगों का दिल नहीं दुखता, आप लोगों को तकलीफ नहीं होती ये देखिए कि सड़क पे बैठे हुए इतने महीनों से बैठे हुए, इनके आप एक सुनवाई कर लीजिए, बुला के इनके मसले का हल कर लीजिए। आप कहते हैं कि हमने भी लाठियां खाई अपने जमाने में, अरे कैसी बात कर रहे हैं मेरे भाई। ये तरीका होता है, ये पढ़े लिखे, ये इम्तिहान क्लियर करके, एक पढ़ाई लिखाई करके यहाँ तक पहुंचे हैं। आप इनके मसले का हल नहीं कर सकते तो कम से कम इधर उधर की बात मत करिए आप। ठीक है मैम। हाँ शाही साहब देखिए, मैं अपने जिसको जवाब देना था विजय जी को मैंने जवाब देना था। मैंने नितिन भाई आपके प्रतिष्ठित चैनल पर विजय भाई को जो आश्वासन था, मैं इनके साथ पूरी इनके अधिकारों के प्रति सहानुभूति रखते हुए मैंने आश्वासन दिया। ठीक है विजय भाई, कुछ कहना चाहेंगे? जो न्यायिक चीज, हाँ जो न्यायिक चीज होगी वो इनके लिए बेहतर की जाएगी, न्याय उचित जो भी होगा। लेकिन विपक्ष भटकाने की बात कर रहा है तो विपक्ष को भाई इनके साथ विपक्ष को भी लगना चाहिए। आज तक तो ये लोग नहीं लगे, ट्विटर पर ट्वीट करते रहे। विपक्ष शुरुआती दिनों से ही इन अभ्यर्थियों के साथ है। देखिए सर, एक बात मैं कहना चाहूंगा, जिस जितनी ईमानदारी से ये बहस चली है, तमाम टीवी चैनलों पे भी मैंने अपनी बात रखी है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि पहली बार मैं किसी डिबेट में बैठा हूँ जहाँ इतने अच्छे लोग बैठे हैं और बड़ी ईमानदारी से लोगों ने जवाब दिए हैं। मैं अश्विनी शाही जी से मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि बिना लाग लपेट के, चुनाव बिल्कुल पास है, हम सभी लोग जानते हैं, आप भी इस बात को समझते हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, वेल एजुकेटेड लोग हैं, कोई PhD है, कोई MA है, कोई BEd है, कोई BTC है, सब इस बात को, आपको जैसे ही आपका लाइव सेशन ये खत्म होगा वीडियो, सभी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि क्या चुनाव के पहले हम लोगों को हमारा हक अधिकार मिल जाएगा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट लागू हो जाएगी। ये दो सवाल है, इनका जवाब दे देंगे सर तो लाखों उम्मीदों को सराज पंख लग जाएगा। देखिए शाही साहब इस चीज का जवाब तो नहीं दे पाएंगे, आश्वासन दे सकते हैं आपको, तो आश्वासन भी तो देंगे। तो मैंने वही कहा, मैं जवाब इसका नहीं दे पाऊंगा, आश्वासन मैंने पहले भी कहा, क्योंकि आश्वासन आप लोगों को पहले भी मिला है, वो आश्वासन दे सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस डिबेट में जुड़ने के लिए। तो साथियों आज उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही अहम मुद्दा था 69,000 शिक्षक भर्ती, जिसको लेकर लगातार एक लंबे समय से ये अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारी कोशिश यही है कि अब चुनाव करीब है, कई सारे मसलों को सुलझाया जा रहा है, तो इस मसले को भी सुलझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं ये कहीं बाहर से नहीं आए, ये हमारे और आपके परिवार के हैं, हमारे और आपके बीच के हैं, और ये सिर्फ अपने भविष्य के लिए ही प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इनके भविष्य की जिम्मेदारी भी हमारी और आपकी है, इनकी आवाज बनना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। हम कोशिश करेंगे इसी तरह आगे भी चलकर इन मुद्दों को उठाया जाए और फिर इनका नतीजा भी निकाला जाए। आज की डिबेट में इतना ही, मैं दीजिए नमस्कार।